छोटे से वीडियो में आपके लिए बेस्ट टिप है। सबसे पहली टिप तो ये है कि अगर आपका हेयर डाई जो है ना, वो अगर करने के बाद, अगर नहीं बल्कि यकीनन आई थिंक जो लोग करते हैं उनके साथ ऐसे होता ही होगा कि वो फैल जाता होगा और उसको जो है ना, वो फिर आप पूरा दिन तो आपका जो है ना वो लगा ही रहता है, एटलीस्ट ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या है कि ये कोई सा भी अपना स्प्रे उठाएं, बॉडी स्प्रे उठाएं, परफ्यूम जिसको कहते हैं, और थोड़ा सा कॉटन पे लगाएं और वहाँ पे हल्का सा रब करेंगे तो वो ऑलमोस्ट उतर जाएगा, या हल्का सा शेड होगा जो बाकी रहेगा वो भी थोड़ी देर के बाद साफ हो जाएगा। तो ये तो एक बेसिक जो थी ना टिप थी। अब आते हैं कि हस्बैंड मेरे जो है ना, वो तकरीबन 4-5 साल से कलर कर रहे हैं और इनके माशाल्लाह से इतने घने बाल हैं कि दूसरे जो इसके कुलीग्स हैं ना, वो पूछते हैं कि आपके इतने घने बालों का राज क्या है। तो इनके जो एक पॉलर वाले हैं, सैलून वाले, मतलब उनके साथ सालों से ये ना उधर ही जाते हैं अपने हेयर कट के लिए, और अब उनके साथ जो है ना वो अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई है। तो कारनामा भी खैर उन्हीं का था, इनके ना इक्का दुक्का वाइट बाल होते थे, तो इनको शौक हुआ कि ये हेयर डाई करवाएंगे, तो उन्होंने रख के जी क्यूने का जो है वो कर दिया। और मैं खुद ब्यूटिशियन रह चुकी हूँ तो उसका मुझे पता है कि क्यूने सबसे हार्ड कलर है, सबसे अच्छा रिजल्ट उसका आता है और डैमेज भी बालों को वही करता है, जल्दी से वाइट बालों को करता है वो। अच्छा, जब हमारे एक दो सफेद बाल आते हैं ना, ये कहीं कहीं आते, तो वो हमें बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं, हालांकि ये नेचुरल होता है और कोई बुरे नहीं लगते। क्यूने जो है ना, तकरीबन कुछ 6-7-8 महीने यूज किया तो मेरे हस्बैंड के बाल इतनी तेजी से वाइट हुए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये आ गया मेरे हाथ में हेयर एनर्जी। मेरी एक बहुत फेवरेट पर्सनैलिटी है जो कि हमेशा जो है ना वो सेलिब्रिटी है, जो हमेशा मतलब उसके मुझे यकीन है कि वो जो भी अगर कोई प्रोडक्ट बताता है या बताती है ना, तो वो बिल्कुल सही बताती है। तो मैं ना किसी पे ऐसी यकीन नहीं करती हूँ। तो मैंने वो जब मैंने उसका वीडियो देखा तो वो इसकी बड़ी तारीफ कर रही थी, ये 2 साल पहले की बात है शायद, या 3 साल पहले की। तो अच्छा, उसके कहने तारीफ पे मैंने मंगवा लिया सोशल मीडिया पे देख के, वो दिन और आज का दिन। उसके अलावा मेरे हस्बैंड के कभी कलर नहीं किया, और अगर मुझे भी ब्राउन से बाल चाहिए, मुझे ग्रे ही हेयर का इशू नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे अगर चाहिए हो ना ब्राउन से कलर कभी चाहिए हो, तो मैं खुद भी कर लेती होती हूँ। और इसका जो फ़ायदा है ना, ये देखें आप, ये हेयर डाई भी है, ये हेयर शैम्पू भी है, ये आपके बालों को जो है ना वो रिपेयर भी करता है और ये हेयर ग्रोथ भी करता है। सबसे अहम चीज़ जो है ना, ये बालों की हेयर ग्रोथ भी करता है। आपको पता है कि दूसरे जो हेयर डाई होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि आपको हेयर ग्रोथ नहीं करते बल्कि आपको गंजा कर देते हैं, और आदमियों के सर के पीछे तो चांद बना पड़ा होता है, बहुत जल्दी से उनके बाल गिर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड के बाल आप व्लॉग्स में देखते रहते होंगे कि कैसे घने बाल हैं उनके माशाल्लाह से। अच्छा, जो भी आप करें ना, चाहे ये हेयर एनर्जी का भी करें, आपको एक और टिप साथ दे देती हूँ कि आप ना बालों की ऑयलिंग बहुत अच्छी करें। जो ऑयल होता है ना, मैंने अपने एक वीडियो में बना के भी आप लोगों को दिखाया, वो ऑयल बेस्ट है। एक तो बालों को बहुत सॉफ्ट करता है और वो भी बालों को ना उगाता है, नए नए बाल उगाता है। मैंने एक ऑयल बनाया था जो वीडियो में बनाया, लेकिन मैं बहुत सालों से वो बना रही हूँ, मेरे बाल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो वो वाला ऑयल या कोई भी ऑयल, वो ज़रूरी नहीं है, अगर आप बनाना चाहें तो बहुत अच्छा है, बालों को तेज़ से लंबा करता है और ग्रो भी करता है। लिंक में जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन वो नहीं तो आप कोई सा भी मस्टर्ड ऑयल, ख़ास तौर पर आप मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, ओरिजिनल, ये वाले केमिकल वाले नहीं, आपने रेडीमेड नहीं लेने, किसी अच्छे जगह से ना जहाँ ओरिजिनल ऑर्गेनिक मिलते हैं, कोई सा भी ऑयल आप ले लें, मस्टर्ड ऑयल ले लें या फिर आप कोकोनट ऑयल ले लें। तिल का तेल सर्दियों में अच्छा होता है, सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में नहीं, और गर्मियों में तो कोकोनट ऑयल हल्का होता है, आप वो ले सकते हैं, आलमंड ऑयल ले सकते हैं, मतलब ओरिजिनल हो। लेकिन सबसे अच्छा जो है ना, वो अगर आप समझें तो मस्टर्ड ऑयल ही होता है, सबसे सस्ता भी होता है बालों के लिए, और मस्टर्ड भी, तो ऑयल सस्ता भी होता है, अच्छा भी, सॉरी। तो ऑयलिंग ना रात को लाजमी, हफ्ते में 2-3 बार रात को अच्छे से करके अपने बालों को कवर करके लाजमी सोया करें, वो जो है ना वो आपके बालों को हार्ड और रूखा सूखा नहीं होने देता। जब आप स्पेशली जब आप हेयर डाई की तरफ आएँ, चाहे हेयर एनर्जी का ही करें, कोई सा भी करें, तो अपने बालों को ना बकायदा जो है वो दही अंडा और मस्टर्ड ऑयल, या फिर जो मैंने ऑयल बनाया वो तो बहुत बेस्ट है भाई, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, तो ये लाजमी करें। और ये जो हेयर एनर्जी का है ना कलर, ये बेस्ट है, मैं तो जो है ना लाजमी आप लोगों को रिकमेंड करूंगी। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी मेरे इतने कोई सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मेरा दिल कर रहा होता है कि जो चीज़ बेस्ट है ना वो आप लोगों तक लाजमी पहुंचाई जाए। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।